वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से है, जो जौनपुर में है, आपको पता है, तो आज उसका पेपर हुआ था बीए सेकंड ईयर वालों का, पॉलिटिकल साइंस का था, जैसे हम राजनीतिक साइंस के नाम से जानते हैं, राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, और ये फर्स्ट पेपर था। सेकंड पेपर 8 तारीख को है आप लोगों का। मैंने आपको ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप उन क्वेश्चनों को याद करके चले जाना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाते हैं। और वही एक दिन पहले, केवल एक दिन पहले मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आज जो पॉलिटिकल साइंस का कल पेपर दे, मतलब जैसे आपका 4 तारीख को पेपर था तो मैंने आपको 3 तारीख को दिए थे सुबह मॉर्निंग में ही, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। वही टोटल छपे हैं, वही पेपर में आए हैं, वही दिखाऊंगा आपको, वही आपको दिखाने वाला हूं टोटल, आपको विश्वास हो जाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो ना तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा विश्वास दिलाने के लिए आपके लिए, समझ रहे हैं? क्योंकि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, पेपर हैकर ये चीज करता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे अभी इसी वक्त और अपने दोस्तों तक बताएंगे, जो भी आपके साथ रहते हैं, जो आपका भाई बहन हाई स्कूल बीए बीएससी इंटर में किसी में भी है, आप पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो आप पेपर हैकर के बारे में एक बार जिक्र जरूर करिएगा और उसे कहिए कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी फैमिली मेंबर है उन्हें भी यार फोन में सब्सक्राइब करा दीजिए, ठीक है। अब यहां आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना मेरी बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, आज पेपर हुआ है, अदर यूनिवर्सिटीज इतनी भी हैं, देख लो छात्र जो भी है, क्योंकि पेपर इस तरीके से बन रहे हैं। आप देखो सेक्शन नंबर ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कह रहा है इन प्रश्नों के सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग के उत्तर 50 शब्दों में दिए जाना है। मतलब कि आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो 50 शब्द में आंसर देना होगा, मतलब कि एक पेज जो आपका होता है, पूरा पेज मान लीजिए ये कॉपी का पेज है, इसको आपको आधा भर दीजिए, बस काम हो जाएगा कि प्रश्न नंबर एक और प्रश्न नंबर दो इस तरीके से डाल दीजिए, 50 वर्ड आधे आधे में हो जाता है। यदि हमारा 200 वर्ड मांगता है तो एक साइड ये पूरा पेज है, ये साइड अगले से भर दीजिए और जस्ट उसके पीछे भर दीजिए, काम चल जाएगा, 200 वर्ड में आपका काम हो जाता है, ठीक है। और हो सके तो 2.5 पेज भर दीजिए, बस इतना से ज्यादा भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहां देखो पहला क्वेश्चन की बात करें, प्लेटो का, देखो यहां बोला गया प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत के बारे में, पूरा क्वेश्चन फंसा है, जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, यह सबसे पहले क्वेश्चन दिया था यार। उसके बाद में बात करें जॉन लॉक और जो सामाजिक समझौते थे, पूरा क्वेश्चन फंसा है, जो मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, पूरा पेपर लीक हुआ है इस तरीके से समझ सकते हैं। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं दिया था तो छोड़ सकते हैं। वैसे आपके लिए द पॉलिटिकल्स किसकी रचना है ये सभी लोग जानते हैं, जब आप उसको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे ना तो आपको बता देंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन की बात करें, जो उपयोगितावाद पर बेंथम के विचार क्या थे, पूरा क्वेश्चन फंसा है, जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था, छोड़ दीजिए। स्वतंत्रता के लौकिक विचार, ये मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिए थे, छोड़ दीजिए, ठीक है। और कम्युनिकेटिव जो कह सकते हैं, इसको भी मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था, लेकिन जे एस मिलर के जो विचार स्वतंत्रता का अवधारणा के आधार पर जो विचार दिए गए, पूरा क्वेश्चन फंसा है, 2 नंबर का, आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जाइए, देखो यहाँ देखो सिसरो के न्याय संबंधी विचार, पूरा क्वेश्चन फंसा है, जो मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया। आप वीडियो देखिए, विश्वास करिए, विश्वास से ही सब कुछ होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो का, देख लेने, ठीक है। नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हैं, चाहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं आप वो भी देख सकते हैं, जो हम आपको बता दें वही पेपर में आता है, इस बात को याद रखना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये पूरा क्वेश्चन फंसा है। वही बात की जाए अरस्तु के नागरिकता संबंधी धारणा, पूरा क्वेश्चन फंसा है, आप देख लेना यार वीडियो, विश्वास आएगा आपको, क्योंकि हम जो देते हैं ना वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, छपते हैं, याद रखना छपते हैं। अब देखिए 92 मैंने कहा ना, अब आपको देखो कितने क्वेश्चन खत्म गए, 1, 2, 3, 3 और 1, 4, ये वाला नहीं आया था, 4 क्वेश्चन नहीं गए, बाकी सारे के सारे आए। 10 में 10 था 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 4 नहीं हुए, मतलब 6 हुए हैं, 2 नंबर के हिसाब से 12 नंबर के आपके हो जाते हैं, 12 नंबर के। यहां देखिए शॉर्ट क्वेश्चनों को देख लेना, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें आपसे कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, 5 प्रश्न आपको आंसर देना अनिवार्य है, मतलब कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 50 नंबर का हो जाता है। यहां देख लीजिए अथवा में क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन ना होता तो उसका अथवा वाला क्वेश्चन कर देना, ये
नियम से बोला गया है, मतलब कि आपको 10 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है। अब यहां बात की जाए, देखो प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों पर परीक्षण दीजिए, पूरा क्वेश्चन फंसा है 10 नंबर का, देख लो। यहां कह रहा है क्रांति व अरस्तु के विचार संबंधी परीक्षण को बताइए, पूरा 10 क्वेश्चन नंबर का फंसा है, जो मैंने आपको बताया था। विश्वास नहीं आता है तो देख लो वीडियो, वीडियो यार ज्यादा दूर नहीं है आपसे, आपके भरोसे से ज्यादा दूर नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस लिंक पर जाइए और टच कर दीजिए, वीडियो आपके सामने खुलेगी। आप इस पेपर को देखिए पहले पूरा, उसके बाद में लिंक देख लेना, वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा सर ने जो बताया वही क्वेश्चन आए। देखो ये आया सिसरो, सिसरो के राज संबंधी विचार के बारे में पूरा क्वेश्चन फंसा है, आप देख लो 10 नंबर का। आप ये ना करना चाहो, ये क्वेश्चन मैंने कोई इंपोर्टेंट नहीं दिया था, छोड़ दो इसको, ऊपर वाला क्वेश्चन फंस गया। इसको देखो, यहां कह रहा है समिति सरकार पर लॉ के विचारों पर विवेचना कीजिए, यहां देखो लॉ के विचारों की बात की गई है। देखो समिति सरकार के बारे में इंपोर्टेंट नहीं दिया, छोड़ दीजिए इसके। देखो ये वाला देखो, जो रूसो था, रूसो के इच्छा के ऊपर विवेचना करने के लिए मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया, पूरा 10 नंबर का फंसा है। आप ऊपर ना चाहो तो उसका हवाला कर दो यार, एक तो फंसेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि पूरे पेपर को लीक करा दो, एक एक क्वेश्चन है भाई छपवा दो, ऐसा थोड़ी होता है। इसको देखो, यहां कह रहा है सामाजिक समझौता पर जो हॉब्स के विचारों की आलोचनात्मक परीक्षण बताना है, हॉब्स के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण बताना है, मतलब जो हॉब्स है उसके, पूरा क्वेश्चन फंसा है 10 नंबर का। आप देखो ये क्वेश्चन ना करना चाहो तो ये वाला क्वेश्चन कर दो, इसके अथवा वाला। ये कह रहा है समझौता पर जीन जो बोदा था उसके विचारों के बारे में, जीन बोंदा का विचार, पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का फंसा है, बताओ। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे आपको इंपोर्टेंट, देख लो आ गया पूरा पूरा सिस्टम। यदि आपको देखो छठा क्वेश्चन की बात करो, यहां कह रहा है राज के मैकियावेली के विचार, पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का है, मैकियावेली के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ये है देखो कालिदास के इतिहास के बारे में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं दिया, छोड़ दीजिए, 10 नंबर ऊपर वाला फंस चुका है, बात खत्म करो। सातवां क्वेश्चन है, उन्होंने दिया नहीं है हमें, छोड़ दो। यहां सातवें क्वेश्चन से यहां देख रखा होगा, देखो ये जो पेज है ना, एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये जो पेज है ना वो पांचवा पेज है हमारे पास, छठा पेज बच्चे ने नहीं भेजा है। तो आप पेपर को प्लीज यार पूरा भेजा करें, और जो पेपर भेजा है वो शिवप्रकाश मौर्य, ठीक है, शिवप्रकाश जी ने भेजा है मुझे इस पेपर को, जो जौनपुर से हैं, इस तरीके से कह सकते हैं बहुत। तो यार आप भी पेपर को भेजिए सबसे पहले। पेपर आपको व्हाट्सअप नंबर मेरे 7037327238 और 38 पर मुझे व्हाट्सअप कर देना है पेपर को फटाफट। यहाँ देखिए बात करें, आठवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ कह रहा है प्लेटो द्वारा जो आदर्श राज्य है उसके बारे में, ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया था, छोड़ दीजिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है। यहाँ देखिए कह रहा है कि देखो टी एच ग्रीन, आप देखो यहाँ कह रहा है ग्रीन के पृथक टिप्पणी लिखी है राज्य के, यहाँ देखो ग्रीन के बारे में जरूर दिया था लेकिन राज्य के वास्तविक आधार पर वो इच्छा बल नहीं, देखो यहां कह रहा है राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं है वरन इच्छा है, ये बोला गया लेकिन ये क्वेश्चन नहीं दिया था, छोड़ दो इसको। ये वाला तो दिया था मैंने उपयोगवाद का, वेंथम के विचार के बारे में, पूरा क्वेश्चन आया 15 नंबर का, ये तो आप छाप दोगे, जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट में फंसा था वही यहां फंस गया। इसको देखो, ये क्वेश्चन पूरा इंपोर्टेंट दिया था, देखो दोनों फोर्स फंस गए, जो कॉल मार्क्स करके वर्ग कह सकते हैं संघर्ष सिद्धांत के संपेक्ष जो आपको परीक्षण बता रहा है, पूरा क्वेश्चन 15-15-30 नंबर का फंसा है। अब आप लगा लो 30 नंबर का ये फंसा है, 50 नंबर का शॉर्ट फंसे हैं, 5 की 5 फंसे हैं, और बाकी 12 नंबर का वो फंसा है। मैं आपको सबको काउंट करके दिखा देता हूं, 30 नंबर के लॉन्ग फंसे हैं, 30 नंबर के लॉन्ग फंसे हैं, याद रखना 30 नंबर के बड़ा क्या बोला है, लॉन्ग फंसे हैं 30 नंबर के, और क्या है शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन छपे हैं फंसे हैं वो 50 नंबर का फंसा है, और जो वेरी शॉर्ट फंसे हैं वो पड़े 12 नंबर के। आप सबको लगाएंगे कितना, 80 और 92, मतलब कि 100 नंबर का पेपर था, देख लो 100 नंबर का पेपर था आपके सामने, देखो 100 नंबर का पेपर था और 92 नंबर फंसे, मतलब कि 92% फंसा है, 92% फंसा है। अब आपको बता दो मुझे क्या दिक्कत है यार, या अब तो पेपर हैकर पर आप भरोसा करोगे नहीं करोगे, बताओ। आपको करना पड़ेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और विश्वास करिए, विश्वास नहीं आता है तो वीडियो को देख लो तब विश्वास करना यार, हम प्रूफ के साथ देते हैं, हम वो चीज करते हैं तो प्रूफ होता है, फालतू कुछ नहीं करते। विश्वास करिए हम आप पर, उस विश्वास को पूरा निभाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय दोस्तों।